हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज मैं आपके साथ मेरे मंडला के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जो बिगिनर लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो मेरी सबसे पहली टिप जो है वो है कि आप जब अपना मंडला बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप एक ग्रिड बना ले, लाइक एक स्केलेटन जैसा, जिससे कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ आने वाली है, तो आपको एक आइडिया होगा और इससे आपका मंडला और ज़्यादा नीट और क्लीन दिखेगा। तो जो मेरा दूसरा टिप या ट्रिक है वो है कि मैं हमेशा अपने डिज़ाइंस अपने पास रेडी रखती हूँ, ताकि जब मैं मंडला ड्रॉ करने जाऊँ तो मुझे पता हो कि मुझे ये यहाँ इस्तेमाल करना है, तो इससे मेरा टाइम भी बचता है और वो मंडला और ज़्यादा अच्छा बन के आता है, क्योंकि मैं पहले से प्लान करके रखती हूँ। तो आप अपने डिज़ाइंस खुद बना सकते हैं, या मैंने जो वीडियोज़ अपलोड किए हैं वो भी आप उनमें डिज़ाइंस के आइडिया देख सकते हो। वो मैं अब ऊपर आई कार्ड में मेंशन कर दूंगी वो वीडियोस का लिंक। नेक्स्ट टिप जो है मेरा वो है कि जब आप मंडला की अपनी शुरुआत करेंगे तो जो सेंटर में आप डिज़ाइन बनाएंगे उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या इंट्रिकेट मत बनाइए, उसे बहुत ही इजी और सिंपल बनाइए, ताकि वो और ज़्यादा नीट और क्लीन दिखता है और मंडला भी बहुत अच्छे से उठ कर आता है। तो लास्ट मेरा जो टिप है वो है कि जब आप अपने मंडला में कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे या जो भी बनाएंगे, उसमें हमेशा एक डबल लाइन ऐड करने की कोशिश कीजिए, जिससे वो मंडला और ज़्यादा उठकर आता है, क्लीन लगता है, नीट लगता है और वो प्रेजेंटेबल और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो बिगिनर लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप होगी। तो यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए do like, share, comment and subscribe to our channel. Press the bell icon so that you are always notified when we upload our new video. Or follow us on Instagram and Facebook. Bye bye.